बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सुनिए माता सरस्वती की पौराणिक कथा। जय माँ सरस्वती, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज माघ माह शुक्ल पक्ष की बसंत पंचमी का व्रत है। इस दिन ज्ञान और वाणी की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। बसंत पंचमी के पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की, परंतु वह अपनी श्री जनता से संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने विष्णु से आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल को पृथ्वी पर छिड़का दिया, जिससे पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में बीड़ा और दूसरा हाथ पर मुद्रा में था, वहीं अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। जब इन देवी ने बीड़ा का मधुर दान दिया तो संसार की समस्त जीव जंतु को वाणी प्राप्त हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को बीड़ा की देवी सरस्वती कहा गया। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, बीड़ा वांदनी और भाग्य की देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने का कारण वह संगीत की देवी भी है। इस तरह से देवी सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। इस तरह माँ सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। गंगा माता और सरस्वती माता की कथा। एक बार की बात है, सरस्वती माता ब्रह्मा लोक में अपनी बीड़ा बजा रही थी, तभी माता लक्ष्मी वहाँ प्रकट हुई। माता सरस्वती ने उनका स्वागत किया और उनको आसन पर बैठाया। तब माता सरस्वती ने उनसे यह आने का कारण पूछा। तब माता लक्ष्मी ने अभिमान के साथ कहा कि मैं तो लक्ष्मी हूँ, मुझे जल कल्याण के कार्य में बहुत व्यस्त रहना पड़ता है। आज थोड़ा सा समय मिला है तो सोचा आपसे मिलने आ जाऊँ। मुझे सबको धन वैभव और सुख देना होता है, मेरे बिना तो इस दुनिया का चल पानी भी असंभव है। प्रिय भक्तों, वही आगे माता लक्ष्मी ने माँ सरस्वती पर कटाक्ष मारते हुए कहा कि अगर उन्हें भी सिर्फ ब्रह्मा लोक में बीड़ा बजाना होता तो उनके पास समय ही समय होता। माता लक्ष्मी की अहंकार भरी बातें सुनकर माता सरस्वती को बहुत क्रोध आया, जिसके बाद उन्होंने माता लक्ष्मी को कटाक्ष करते हुए कहा, देवी लक्ष्मी सत्य है, आप वैभव की देवी हैं, लेकिन फिर भी आपको चंचलना कहा जाता है। आप कहीं भी बिल्कुल भी स्थित नहीं रहती, लेकिन मैं आपके बिल्कुल विपरीत हूँ। मैं जिस जगह जाती हूँ वहाँ आजीवन के लिए बस जाती हूँ। आपको तो कोई भी चुरा सकता है, डाका डाल सकता है, लेकिन मुझे नहीं, बल्कि मैं तो बांटने से बढ़ती हूँ। मेरा प्रचार प्रसार जितना होगा मैं तो उतनी ही बढ़ती जाऊंगी। माता सरस्वती ने कहा कि कोई भी मनुष्य कितना भी धनी क्यों ना हो, जब तक मैं उसके साथ नहीं होती उसका जीवन मिट्टी के समान होता है। माँ सरस्वती क्रोध में आग बबूला हो रही थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके मंत्रों के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी है। माता सरस्वती की तर्कों से माता लक्ष्मी संतुष्ट नहीं हुई और न ही अपनी बातों से हिली, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब इस विवाद का फैसला सिर्फ और सिर्फ श्री हरि विष्णु करेंगे, क्योंकि आपको वाड़ी में तो कोई भी हरा नहीं सकता। अब इसके बाद दोनों देवियां फैसला कराने के लिए भगवान विष्णु के लोक गई, तो वहां पहले से ही देवी गंगा भगवान विष्णु के चरणों में बैठी हुई थी। श्री हरि को ध्यान में लीन देख माता लक्ष्मी उनके पास जाकर बैठ गई, लेकिन कोई भी माता सरस्वती को बैठने के लिए नहीं कहता। तब यह सब देखकर माता सरस्वती को बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने कहा, हे देवी लक्ष्मी, आप ही मुझे यहाँ लेकर आई हैं और आप मुझे बैठने के लिए नहीं कह रही हैं। मुझे आपने कोई स्थान नहीं दिया। क्या विष्णु लोक में अतिथियों का ऐसा ही सत्कार किया जाता है?
इस पर माता लक्ष्मी बोली कि मेरा निवास श्री हरि के हृदय में है और देवी गंगा को स्वयं प्रभु हरि ने अपने चरणों में स्थान दिया है। इसके अलावा उनके पास जगह खाली नहीं है जहां आपको स्थान दिया जा सके। इतना कहकर दोनों देवियां माता लक्ष्मी और माता गंगा जोर जोर से हंसने लगी। अपना उपहास उड़ाता देखकर माता सरस्वती के क्रोध की सीमा ही नहीं रहती। माँ सरस्वती ने माँ लक्ष्मी से कहा कि आपको बड़ा अभिमान है अपने वैभव और श्री हरि के हृदय में होने का, तो मैं आपको यहाँ से दूर कर दूंगी और मैं एक दिन भगवान श्री हरि विष्णु के हृदय में स्थापित हो जाऊंगी। यह कहकर माता सरस्वती ने अपना लक्ष्मी को श्राप दिया और कहा, आप विष्णु लोक छोड़कर धरती पर चली जाएंगी जहाँ आप तुलसी के रूप में जन्म लेंगी, जहाँ जाकर आपका भगवान विष्णु से कोई संबंध नहीं रहेगा और धरती पर आपका विवाह किसी असुर से होगा। प्रिय भक्तों, वही माता लक्ष्मी को दिए गए श्राप सुनकर देवी गंगा को माँ सरस्वती पर क्रोध आ गया और उन्होंने माता सरस्वती को श्राप दे दिया कि वे एक नदी के रूप में पृथ्वी लोक पर बहेगी। प्रिय भक्तगणों, यह श्राप का सिलसिला यहीं तक नहीं थमा। माता लक्ष्मी की तरफदारी में देवी गंगा ने माँ सरस्वती को तो श्राप दे दिया, लेकिन माता सरस्वती को यह भेदभाव बिल्कुल भी नहीं भाया। उन्होंने क्रोधित होकर देवी गंगा को भी श्राप दे दिया कि मैं भी आपको श्राप देती हूँ कि आप भी पृथ्वी लोक पर नदी के रूप में बहेंगी और आप में कंकालों, हड्डियों इत्यादि को बहाए जाएंगे। जब यह श्राप का सिलसिला खत्म हुआ तो तीनों देवियां पछताने लगी और इस श्राप से मुक्ति के लिए उपाय खोजने लगी। तभी भगवान विष्णु का नेत्र खुलता है और उन्होंने कहा, हे देवियों, मैंने आपकी बातों को सुना और समझा, आपको इस श्राप का फल तो भोगना ही पड़ेगा। यह बात माता गंगा को बहुत ही दुख देने लगी थी कि उन्हें अब मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, धरती पर जाकर वहाँ पर रहना होगा, सभी मनुष्यों के पापों को धोना पड़ेगा। धरती पर आने की बात सुनकर माँ गंगा घबरा गई कि पापी लोग तो उनके जल से स्नान करेंगे और अपने पापों को वहाँ छोड़कर चले जाएंगे, वह सब मुझे अपने भीतर समाना पड़ेगा। कहते हैं कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य छुपा होता है। इस कारण माँ गंगा धरती पर आई और तब से पापियों का उद्धार करती चली आ रही है। कहते हैं कि इस प्रकार माँ सरस्वती द्वारा गंगा को श्राप दिया गया, श्राप भी सिद्धांत हो गया और सरस्वती माता भी नदी में बनकर पृथ्वी पर बहने लगी। जय सरस्वती माँ, जय गंगा माँ। हे माँ गंगा, हे सरस्वती माँ, आपने सभी भक्तों का कल्याण किया। कथा के अनुसार मद्रास नामक स्थान पर बहुत समय पहले वहाँ एक ब्राह्मण रहता था। उस समय सरस्वती और लक्ष्मी की आपस में नहीं बनती थी, इसलिए वह सरस्वती का पुजारी ब्राह्मण निर्धन था। वह प्राचीन परंपरा के अनुसार शिष्यों को पढ़ाता था। गुरुकुल की परंपरा के अनुसार शिष्य उनके लिए गांव जाकर भिक्षा मांगते थे। भिक्षा में जो भी मिलता था उसी से उसका गुजारा हो जाता था। ब्राह्मण की पत्नी को बच्चा होने वाला था। ऐसे में ब्राह्मण की पत्नी को चिंता होने लगी कि उसकी संतान का लालन पालन इतनी गरीबी में कैसे होगा। इसी बात को लेकर वह अक्सर ब्राह्मण को उसकी गरीबी के लिए ताने मारने लगी। वे कहती, ना जाने मुझे किन कर्मों की सजा मिली है जो मेरा विवाह मेरे पिता ने एक कंगाल से कर दिया। ब्राह्मण को यह बात अच्छी नहीं लगी। ताने सुनकर वह परेशान हो चुका था। फिर एक दिन उसने एक फैसला लिया और अपने सबसे प्रिय और सूझबूझ वाले सबसे तेजस्वी शिष्य को बुलाकर सारी जिम्मेदारी उसे दे दी। इसके बाद 4-5 महीने में लौटने का आवासन देखकर धन कमाने राजधानी चला गया। ब्राह्मण के जाने के बाद वह शिष्य ने अपनी सारी जिम्मेदारियां ईमानदारी के साथ निभाया।
आसपास के गांव वालों को जब पता चला तो वो सब लोगों ने मिलकर ब्राह्मण के यहाँ अनाज और जरूरत का बाकी सामान भिजवा दिया। आश्रम में बाकी शिष्यों को वह शिक्षा देने लगा। इस तरह सब कुछ सही रास्ते पर चलने लगा। एक रात को ब्राह्मणी ने पुत्र को जन्म दिया। दरवाजे के पास खड़े शिष्य को जब पता चला तो उसने सोचा कि आगे क्या क्या करना है, इस बारे में गांव के बुजुर्ग से सलाह लेनी चाहिए। हे पार्वती, वह जाने ही वाला था कि इतनी देर में वहाँ दुबला पतला ब्राह्मण लाठी के सहारे चलते हुए आया। उसकी वेशभूषा देखकर शिष्यों को लगा कि शायद वह कोई भिखारी है। शिष्य बोला, ओ बाबा, कौन हो तुम? आधी रात को यहाँ कैसे आना हुआ? तो उस बुजुर्ग ने कहा, भी मत पूछो कौन हूँ मैं, मुझे कुछ काम है, मुझे अंदर जाने दो। उस दुबले पतले ब्राह्मण ने जवाब दिया। तो उस शिष्य ने कहा, ऐसे कैसे जाने दूं? कम से कम अपना परिचय तो दीजिए, और भला आप इस स्थिति में एक असहाय स्त्री के पास कैसे जा सकते हैं? शिष्य दरवाजे पर रास्ता रोके हुए खड़ा था। ब्राह्मण ने हंसते हुए जवाब दिया, तो सुनो, मैं विधाता हूँ, सबका भाग्य लिखने वाला। आज यह बच्चा पैदा हुआ है तो बस उसी का भाग्य लिखने चला आया। भाग्य लिखने वाले को कौन रोक सकता है भला? इतना कहते हुए वह ब्राह्मण हंसते हुए शिष्य को हटाकर अंदर चला गया। जब वह बाहर आया तो उस शिष्य ने उत्सुकता वहाँ पूछा, महाराज, आपने क्या लिखा उस नन्हे बच्चे के बारे में, मेरे गुरु भाई के बारे में? हे पार्वती, आज तक विधवा ने किसी को बताया है क्या कि उन्होंने किसके भाग्य में क्या लिखा है? परंतु शिष्य भी उन्हें ऐसे नहीं जाने देने वाला था। पीछे न छोड़ते देखकर ब्राह्मण विवश होकर बोला, यही जानना चाहते हो ना कि क्या लिखा है? तो मैंने यह लिखा है कि यह लड़का हमेशा निर्धन ही रहेगा। इसके पास घर में एक गाय और एक बोरा अनाज के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। कितना भी परिश्रम कर ले, यह धन नहीं कमा पाएगा। इतना कहते ही वह ब्राह्मण वहाँ से चला गया। इसलिए कुछ किया नहीं जा सकता था। कुछ महीने बाद गुरुकुल का ब्राह्मण लौट आया। आकर जब उसने देखा कि सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा है तो उसे बड़ी ही प्रशंसा हुई। अपने साथ वह काफी धन कमा कर लाया था। अब उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी, इसलिए उसका जीवन अब हंसी खुशी गुजरने लगा। लेकिन वह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। सब धन खत्म हो गए और कमाई का कोई भी साधन न होने से एक बार फिर गरीबी आ गई। अब ब्राह्मण का परिवार 2 साल पहले वाली हालात में आ गए। इस बार फिर ब्राह्मणी को बच्चा होने वाला था। ऐसे में जब ब्राह्मण ने शिष्य से अपनी स्थिति के बारे में विचार विश्रम किया तो शिष्य ने उसे फिर से राजधानी जाने की सलाह दी। ब्राह्मण पहले की तरह अपने सारी जिम्मेदारी अपने उसी बुद्धिमान शिष्य के कंधों पर छोड़कर राजधानी चला गया। जब कुछ वैसे ही फिर से चलने लगा जैसे पहले चलता था, फिर से गांव के लोग अनाज व जरूरी सामान दे गए। समय आने पर ब्राह्मणी की कोख से एक कन्या ने जन्म लिया। जब शिष्य को इस बात की खबर हुई तो वह गुरु बहन को देखने के लिए गया, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वहां पर वही दुबला पतला ब्राह्मण पहुंच गया था जो अपने आप को विधाता बता रहा था। उसे देखकर शिष्य को बहुत गुस्सा आया, परंतु वह कर भी क्या सकता था। हे पार्वती, जब वह ब्राह्मण भाग्य लिखकर बाहर निकले तो शिष्य ने पूछा, कहो महाराज, आप कौन सा चक्र रच कर आए हो? उस ब्राह्मण ने कहा, अरे भाई, गुस्सा क्यों होते हो? मैं तो यहाँ बस अपना काम करने आया था। सबका अपना काम होता है, मेरा भी काम है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इस प्रकार से चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए हुए ब्राह्मण ने कहा। तो शिष्य बोला, आखिर मेरी गुरु बहन के भाग्य में क्या लिखा है आपने? तब उस ब्राह्मण ने कहा, इस लड़की का विवाह नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसे देखने वाले बहुत आएंगे, फिर भी यह सारा जीवन कुंवारी ही रहेगी। इतना सुनते ही शिष्य को गुस्सा आ गया
और उसने उस ब्राह्मण को वहाँ से भाग जाने के लिए कहा। ब्राह्मण पहले की ही भांति मुस्कुराता हुआ चला गया, लेकिन उस शिष्य के मन को अशांति दे गया। वह सोच में पड़ गया कि अगर यह सच में विधाता था तो उसके गुरु भाई और गुरु बहन का भविष्य क्या लिखा होगा, कैसे कटेगा उसका जीवन, मैं क्या कहूँ। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक साल, दो साल, तीन साल करते करते कई साल बीत गए। शिष्य का गुरु यानी कि वह ब्राह्मण वापस नहीं आया। राजधानी से जितने व्यक्ति आते उतनी बातें करते। कोई कहता ब्राह्मण की मृत्यु हो गई है, कोई कहता वह अपनी पत्नी से परेशान थे, इसका संन्यास लेकर जंगल में चले गए। शिष्य भी ब्राह्मण के घर और गुरुकुल की सारी जिम्मेदारी संभाल रहा था। सबके साथ साथ उसने अपने गुरु भाई और गुरु बहन को भी शिक्षा देकर उन्हें शिक्षित कर दिया। इस तरह 18 साल बीत चुके थे। ब्राह्मणी का पुत्र 20 वर्ष का हो गया। शिष्य को अब लगने लगा कि वह उसका गुरु भाई गुरुकुल की व्यवस्था संभालने लायक हो गए हैं। इसी विचार से अब शिष्य अपनी सारी जिम्मेदारियों से देकर वहाँ से विदा लेना चाहता था। ब्राह्मणी व उसके पुत्र और पुत्री ने उस शिष्य को रोकने का बहुत प्रयास किया, मगर सब व्यर्थ था। शिष्य जब जा रहा था तब गुरु भाई उसे छोड़ते हुए कुछ दूर तक उसके साथ गया। जब गुरु भाई आशीर्वाद लेकर वापस लौटने को हुआ तब उस शिष्य ने कहा, भाई मैं जा रहा हूँ, मगर जो मैं अभी तुम्हें दो बातें बताऊंगा उस बात का ध्यान रखना। उस शिष्य ने कहा, कभी भी अपने घर पर अनाज से भरा हुआ बोरा और दूध देने वाली गाय मत रखना। अगर तुम्हें दोनों रखे तो तुम सारा जीवन निर्धन ही रहोगे। दूसरा, जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारी बहन की विवाह के संबंध में बात करने आए तो उसे 100 सोने की मोहर देकर जाने को भूलना, और जब वह 100 मोहरे तुम्हें दे दे तभी अपनी बहन उन्हें दिखाना। लड़की ने वैसा ही करने का वादा करके शिष्य को विदा किया और आश्रम में लौट आया। अगले ही दिन गांव के एक पुरोहित के यहाँ से एक दुहारू गाय और एक बोरा अनाज उस लड़की के घर भिजवा दिया। लड़की ने उसी समय गाय और अनाज का बोरा बेच दिया। अगले दिन फिर से किसी ने एक बोरा अनाज और एक दुहारू गाय भेजी। लड़की ने फिर वैसे ही किया। अब आए दिन गाय और अनाज के बोरे आने लगे। लड़का उन्हें अपने फायदे के अनुसार बेचता गया। इससे उसका भाग्य बदल गया और जल्द ही वह अमीर हो गया। थोड़े ही दिन में उसकी बहन के विवाह की उम्र हो गई। विवाह के लिए कई लोग लड़के से संपर्क करने लगे। उस लड़के को अपना वादा याद था। उसकी बहन को भी जो भी देखने आता वह उससे 100 स्वर्ण मुद्राएं लेता। इस तरह वह अभी धनी हो गया, उसका जीवन सुखमय हो गया। इसी तरह कई साल बीत गए। एक दिन उस शिष्य का मन हुआ कि क्यों ना अपने गुरु के परिवार को देख लिया जाए कि उनका भाग्य कैसे चल रहा है। इसी विचार के साथ वह चल दिया। अभी वह गांव के बाहर ही पहुंचा था कि उसे वहीं दुबला पतला ब्राह्मण एक गाय, एक बोरा अनाज और एक पोटली में मुद्राएं ले जाते हुए दिखाई दिया। शिष्य ने आवाज लगाते हुए कहा, अरे महाराज कहाँ जा रहे हो। ब्राह्मण ने उसकी ओर देखा और गुस्से में ऊंची आवाज में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। उस ब्राह्मण ने कहा, आ गए जले पर नमक छिड़कने, देख लो यह सब तुम्हारा ही किया धरा है। रोज एक दूध देने वाली गाय, एक बोरा अनाज और 100 मुद्राएं देते देते मेरी ऐसी की तैसी हो रही है। दिमाग काम नहीं करता है कि तुम्हारे इस चक्रव्यूह से कैसे निकलूं। तो उस शिष्य ने कहा, मेरा चक्रव्यूह महाराज आप भूल रहे हैं कि भाग्य तो आप लिखते हैं, फिर भला मैं कैसे आपके किसी भी चक्रव्यूह में फंस सकता हूँ। शिष्य ने चुटकी लेते हुए उनसे कहा। तो उस ब्राह्मण ने कहा, बेटा मैं तेरे बुद्धि से हार चुका हूँ, मेरी सहायता कर और मुझे इस झंझट से निकाल। तब उस शिष्य ने कहा, महाराज झंझट से निकलना है तो यह उन दोनों की भाग्य रेखाएं मिटा दीजिए। आप तो जानते हैं
यह कलयुग है। आज का इंसान स्वयं अपनी बुद्धि से अपना भाग्य बनाता है। उदाहरण आप देख ही रहे हैं। तो उस ब्राह्मण ने कहा, ऐसे कैसे मिटा दूं मैं भाग्य की रेखाएं? शिष्य ने कहा, तो फिर उठाइए झंझट, मैं कुछ नहीं जान सकता। ब्राह्मण ने कहा, अरे नहीं बेटा, मेरा कुछ ख्याल करो, कब तक इसी काम में फंसा रहूंगा मैं भी मजबूर हूँ महाराज, अपने गुरु को वचन दिया है कि उनके परिवार का ख्याल रखूंगा, अब ऐसे में उनका साथ कैसे छोड़ दूं? वैसे भी इस दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, और फिर मुझे तो अपनी बहन का विवाह भी करना है। अगर आप मेरी बात मान लें तो आपको अपनी समस्याएं का हल मिल जाएगा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उस ब्राह्मण ने गाय अनाज का बोरा और मुद्राओं की पोटली उस शिष्य को दे दिया और बोले, जाओ मिटा दो उनकी भाग्य की रेखाएं, तुम्हें उनका जैसा भी भाग्य बनाना है बना लो, मैं कोई रुकावट नहीं डालूंगा। लेकिन हाँ, मेरी एक विनती है कि इस बारे में तुम किसी को बताना नहीं तो कोई भी मेरा आदर नहीं करेगा, किसी को मेरा भय नहीं रहेगा, जिसके कारण कोई मुझे याद नहीं करेगा। इतना कहते हुए ब्राह्मण जो भाग्य था वहाँ से चला गया, जो खुद को विधाता बता रहा था। इससे यह सिद्ध हो गया कि मनुष्य जो अपनी बुद्धि से अपना भाग्य बदल सकते हैं, यदि मनुष्य अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित है तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो वो हासिल नहीं कर सकते। परेशानियों में ही मनुष्य की सफलता का रहस्य छुपा रहता है। यह तो मनुष्य की मानसिकता पर निर्भर करता है कि उनका जीवन कैसे होने वाला है। यदि मनुष्य का भाग्य रूठा हुआ है तो भी कोशिश करने से अपनी बुद्धि से वह अपने भविष्य को बदल सकता है। मनुष्य में अथाह क्षमता है कि वह अपने भाग्य को बदल दे, किंतु मनुष्य अपने भाग्य पर ही रोता रहता है। भाग्य भी उसकी परीक्षा जरूर लेता है। जय माँ सरस्वती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक खास वीडियो और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।